हाय गाइस, वेलकम टू एजुकेशन फाइल। मैं हूं अनिल कश्यप और आज का जो लेक्चर होगा वो होगा पीयर ट्यूटरिंग के बारे में। ठीक, कि पीयर ट्यूटरिंग क्या है। ये है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जो कि बीएड के सिलेबस में है। इसमें देखेंगे हम कैसे पढ़ाई होती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं और क्या लिमिटेशंस हैं पीयर ट्यूटरिंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पीयर ट्यूटरिंग क्या है? ये एक एजुकेशनल प्रैक्टिस है जो कि स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस में होती है, जिसमें वन टू वन इंस्ट्रक्शन मिलता है। उसमें कोई ट्यूटर असाइन कर देते हैं और वो ट्यूटर क्या होगा, वो होगा या तो सेम क्लास का या होगा हायर क्लास का। जब हायर क्लास का स्टूडेंट टीचिंग करेगा, ट्यूटरिंग करेगा, तो उसे कहेंगे क्रॉस एज ट्यूटरिंग। ठीक है, क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस में ट्यूटर के रोल में उस बच्चे को असाइन करते हैं जो कि परफॉर्मेंस वाइज किसी बच्चे से अच्छा है। उसे कहेंगे कि आप जो स्लो लर्नर है या जिसे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो उसे ट्यूट करे, पर अंडर टीचर सुपरविजन में होता है। ये नहीं कि किसी बच्चे को कह दिया कि आप डायरेक्ट जाके किसी को पढ़ा लो। प्रॉपर इसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है ट्यूटर को, जो स्टूडेंट होगा, और बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पर इंडिया में क्या है, ये गवर्नमेंट के थ्रू भी और एजुकेशनिस्ट के थ्रू भी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ ये मेथड। इंक्लूसिव स्कूल में ऐसे ट्यूटरिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कॉमन स्कूल होंगे तो क्या होंगे, आप किसी बच्चे को ट्रेनिंग दे सकते हो और उसे कह सकते हो कि आपको ट्यूटर बनना है, और वो सेम एज के बच्चे को या क्रॉस एज ट्यूटरिंग कर सकता है आफ्टर सम बेसिक ट्रेनिंग्स। और ट्यूटरिंग में फिर ट्यूटर का रोल क्या होता है, किसी को स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, किसी को हैंडराइटिंग में दिक्कत है, किसी को एरिथमेटिक में दिक्कत है या सोशल बिहेवियर में दिक्कत है, तो ट्यूटर असाइन कर सकते हैं। और ट्यूटर क्या करेगा, वो उसे वो स्किल्स सिखाएगा जिसमें स्लो लर्नर कमजोर है। ठीक है, तो जो ट्यूटर होगा वो स्लो लर्नर में इन स्किल्स के ऊपर काम करेगा और उसका एम क्या होगा, इन स्किल्स को और अच्छा किया जाए थ्रू पर्टिकुलर प्रोसीजर्स एंड मेथड्स। पीयर ट्यूटरिंग कब करनी चाहिए, हफ्ते में दो या तीन बार करनी चाहिए, 20 मिनट्स, और ये होनी चाहिए लास्ट पीरियड में। ओके, जो क्लास का लास्ट पीरियड होता है उसमें ऐसी एक्टिविटी के लिए टाइम देना चाहिए, ताकि ये जो मेथड है पीयर ट्यूटरिंग का ये अच्छे से हो सके। और ये टाइम क्या है, कम ज्यादा भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ साइड। लर्निंग स्टिल अभी भी स्लो है तो क्या होगा, टाइम ज्यादा दे देंगे ताकि उनको और अच्छे से टाइम मिले और वो अच्छे से सीख सके, और अगर दोनों परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं तो वो कम टाइम में भी सीख जाएंगे। तो ये टाइमिंग डिपेंड करेगा कि दोनों की परफॉर्मेंस कैसी है। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है पीयर ट्यूटरिंग के। इसमें क्या है, सभी तरह के डोमेन अफेक्ट करती है, जैसे कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन, आपस में इंटरेक्शन बढ़ जाता है, साइकोमोटर डोमेन, किसी को हैंड राइटिंग का काम दिया गया तो कॉग्निटिव डोमेन में जब उसे ट्यूटर सिखाएगा वो सीखेगा, सोशल डोमेन आपस में इंटरेक्शन होगा, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, साइकोमोटर डोमेन में वो खुद ट्राई करेगा। ठीक है, इसमें उसकी साइकोलॉजिकल और मोटर स्किल काम आएंगी। नेक्स्ट है प्रमोट सोशल, दोनों में क्या होगी, सोशल इंटरेक्शन बहुत बढ़ जाएगा ना, दोनों में फ्रेंडशिप बन जाएगी, दोनों एक दूसरे बिलीव करने लगेंगे और दोनों की एकेडमिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगी। जो ट्यूटर होगा उसकी एकेडमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी, उसको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ दे कैन टीच, और जो पढ़ेगा जो स्लो लर्नर होगा उसकी स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा ट्यूटर में और ट्यूटी में भी, जब काम होने लगेगा, जब टास्क कंप्लीट होने लगेंगे तो ट्यूटर और ट्यूटी में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पीयर ट्यूटरिंग में क्या है, टास्क कंप्लीशन बहुत अच्छे से होता है। सपोज मैं अपना एग्जांपल दूं तो क्या होता, जब हम 10th में थे, मैं और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड घर पे आके क्या करते थे, जो हमें होमवर्क मिलता था उसको साथ में स्कूल से आने के बाद ही कंप्लीट कर लेते थे, और जो चीज हमें नहीं आती थी वो आपस में पूछ के डिस्कस करके ठीक कर लेते थे। तो पीयर ट्यूटरिंग अच्छी होती है वैसे, क्योंकि विदाउट हेजिटेशन आप अपने दोस्त से कुछ चीज पूछ सकते हो। और ये क्या है, पीयर ट्यूटरिंग ना बहुत अच्छे से रिसर्च बेस्ड है और इसके रिसर्च एविडेंस भी अवेलेबल है, और ये मेथड बहुत अच्छा है और इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए भी बहुत अच्छा मेथड है ये। और जब आप सब टीचर बने तो आप सब भी अप्लाई कर सकते हैं अपने क्लासरूम में ये। प्रोसीजर्स क्या है, प्रोसीजर्स तो होंगे, हम डायरेक्ट किसी बच्चे को नहीं कह सकते कि आप जाके पढ़ाने लगो, तो प्रोसीजर्स में क्या होगा, सिस्टमिक अप्रोच पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और पीयर ट्यूटर्स को प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा ताकि वो ट्यूटी को पढ़ा सकें। इसमें क्या होगा, प्रोसीजर्स पे ध्यान दिया जाएगा, उनकी प्रैक्टिस ली जाएगी कि वो पढ़ा सकते या नहीं पढ़ा सकते, उनको फीडबैक देना सिखाएंगे कि आपको अपने ट्यूटी को कब फीडबैक देना है या कब नहीं देना है, उसे ये सिखाएंगे कि मॉनिटर करना भी सिखाएंगे। टीचर का क्या काम है, फीडबैक देना और मॉनिटरिंग करना भी इंपॉर्टेंट स्टेप है टीचिंग के। तो ये सब स्टेप क्या होंगे, हम ट्यूटर को भी पढ़ाएंगे ताकि वो जो ट्यूटी की परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर कर सके और उसको प्रॉपर फीडबैक देता रहे टाइम टू टाइम। तो ये सब ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी बच्चे को ऐसे नहीं कह सकते कि आप जाके डायरेक्ट पढ़ाने लगो, उसके लिए ट्रेनिंग लेना, प्रैक्टिस करना, फीडबैक कैसे देने कैसे नहीं और मॉनिटर करना आना चाहिए, उसके बाद ही हम अलाउ करेंगे उसे ट्यूटर करने के लिए। चलो, फॉलोइंग प्रोसीजर्स हैं कौन कौन से, वो डेमोंस्ट्रेशन प्रोसीजर है, टेस्ट टीच टेस्ट प्रोसीजर है, ग्रुप और पेयर टीचर प्रोसीजर है, इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। जो डेमोंस्ट्रेशन प्रोसीजर है इसमें, इसको क्या कहते हैं, सो डू मेथड भी कहते हैं। सो का मतलब दिखाएगा, वो पहले डेमोंस्ट्रेट करेगा। ठीक है, जो ट्यूटर होगा अपने ट्यूटी को बताएगा कि कोई चीज कैसे करनी है, देन वो अपने ट्यूटी से कहेगा कि वो
उसे रिपीट करे, ठीक है, डू करे, वो एक्टिविटी करके दिखाए। तो इस मेथड को कहते हैं डेमोंस्ट्रेशन प्रोसीजर। सेकंड है टेस्ट, टीच, टेस्ट प्रोसीजर। जैसे नाम से इंडिकेट है, टीचर क्या करते हैं, पहले पढ़ाते हैं, है ना, देन टेस्ट लेते हैं, और अगर कोई दिक्कत होती है तो वो फिर से पढ़ाते हैं और फिर से टेस्ट लेते हैं। तो इसी मेथड को कहते हैं टेस्ट, टीच, टेस्ट मेथड। सपोज किसी ट्यूटर ने किसी को पढ़ाया ए बी सी डी तक, और वो ट्यूटी जो है बस ए बी सी तक बता पा रहा है, तो जो ट्यूटर है वो क्या करेगा, उसे फिर से पढ़ाएगा कि ए बी सी और उसके बाद आता है डी, देन अगेन उसका वो टेस्ट लेगा, और धीरे धीरे करके ऐसे परफॉर्मेंस, जो ट्यूटर होगा ट्यूटी की परफॉर्मेंस चेक करता रहेगा, ठीक है, जब तक वो सीख ना जाए। नेक्स्ट मेथड है ग्रुप और पेयर टीचिंग प्रोसीजर। इस मेथड में क्या है, जो ट्यूटर और ट्यूटी होंगे टीम की तरह काम करेंगे और कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए एक टीम की तरह परफॉर्म करेंगे। सपोज कोई पर्टिकुलर पैरा पढ़ना है किसी इंग्लिश बुक का या लेसन का, तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट पैरा होगा वो ट्यूटर पढ़ेगा, सेकंड ड्यूटी पढ़ेगा, देन थर्ड ट्यूटर पढ़ेगा, देन फोर्थ ड्यूटी पढ़ेगा, और ऐसे करके दोनों एक काम को कंप्लीट करेंगे एक साथ, एक ग्रुप के जैसे। इस मेथड को कहते हैं, इस प्रोसीजर को कहते हैं ग्रुप और पेयर टीचर प्रोसीजर। ओके, आई होप आपको समझ में आता होगा। एडवांटेज क्या है पेयर ट्यूटरिंग के, डिक्रीज द प्रेशर ऑफ टीचर, बिल्कुल सही। टीचर कुछ ट्यूटर असाइन कर सकता है और उनको वो बाद में क्या कर सकता है, मॉनिटरिंग कर सकता है उनकी पर्टिकुलर। पीयर ट्यूटर होंगे वो अपने ड्यूटी को पढ़ाते रहेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो टीचर्स पे प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मेथड है, इससे क्या होगा, जो स्लो लर्नर्स है ना उसमें स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि क्या होता है ना टीचर्स के सामने कई बच्चे बहुत डरते हैं, हेजिटेट करते हैं, और वो ट्यूटर उनके मोस्टली क्या होंगे, दोस्त होंगे या सीनियर्स होंगे, और वो उनके सामने हेजिटेट नहीं करेंगे, तो उससे स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट हो जाएगा, और जो ट्यूटी है वो डरेगा नहीं और कुछ भी बता देगा, ठीक है, मतलब वो ट्राई करेगा बिना डरे बिना हिचके, वो ट्राई करेगा सीखने के लिए। सोशल बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करेगा ये, ऑफकोर्स जब स्टूडेंट आपस में पढ़ेंगे तो उनमें सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होगा, और ये हेल्प करेगा एक डीप सोशल बॉन्ड बनाने में। ये ट्यूटर को कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ कि वो पढ़ा सकते हैं, एक्चुअली ट्यूटर भी क्या है यहाँ पे, बच्चे ही हैं, स्टूडेंट ही हैं, तो उनमें ये कॉन्फिडेंस आएगा कि दे कैन टीच, और ये स्किल उनके फ्यूचर में आगे जाके काम आने वाली, क्योंकि हर जगह मोस्टली क्या होता है टीचिंग तो करनी ही पड़ती है, उसके फॉर्म अलग हो सकते हैं पर टीचिंग आपको करनी पड़ती है। आप कहीं पे जॉब पे भी जाओ तो वहाँ पे क्या होते हैं, आपको पहले ट्रेनिंग मिलेगी, है ना, और वो ट्रेनिंग कौन देगा, ऑफकोर्स वो सीनियर्स होंगे जो टीच करेंगे, तो ये स्किल आगे जाके बच्चों की लाइफ में बहुत अच्छे से यूज होने वाली है। नेक्स्ट, ग्रेड बढ़ाने में काम होगा, क्योंकि जब ट्यूटर और ट्यूटी इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो उनके ग्रेड्स भी बढ़ेंगे, जो कि ग्रेड्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना इज मच बेटर। स्मॉलर ग्रुप में पढ़ने से क्या होगा, उनमें हेजिटेशन नहीं होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया बिना हेजिटेशन के बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि आपस में क्या होता है बिना डरे बच्चे आपस में कुछ भी डिस्कस कर लेते हैं, पर जब टीचर आता है तो कई बच्चे बहुत हिचकते हैं, डरते हैं, जो कि स्मॉलर ग्रुप्स में हेजिटेशन का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से अपनी अपॉर्चुनिटीज को यूज करेंगे। और बीच बीच में क्या होगा, एडिशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा टीचर्स को, सपोज कोई चीज ट्यूटर नहीं समझा पा रहा अपने ट्यूटी को तो वो टीचर्स की हेल्प ले सकता है ना, ये क्या है, एडिशनल सपोर्ट है ना। तो ये थे इसके एडवांटेजेस, अब पढ़ेंगे हम इसके लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स के बारे में। कई बार क्या होगा, ये टीचर्स को थोड़ा मैनेज करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि उसे टीचिंग भी करनी है, उसे क्लास में पढ़ाना है, फिर सभी ट्यूटर्स का उसे परफॉर्मेंस भी देखना है, उसे ट्यूटीज का भी परफॉर्मेंस देखना है कि ट्यूटीज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है टीचर्स के लिए मैनेजमेंट करना थोड़ा टफ हो जाता है। और कोई भी ट्यूटर असाइन करने से पहले क्या होगा, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देना वो भी किसका काम है, टीचर का काम है, तो थोड़ा ये एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है टीचर्स के लिए। कन्फ्लिक्ट में राइज है ना, कई बार क्या होता है कि कोई ट्यूटी अपने ट्यूटर को ना पसंद करता हो, कई बार होता है क्लास में ऑफकोर्स, क्योंकि बच्चों में आपस में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, और जो ट्यूटर असाइन किया गया है टीचर की तरफ से वो ट्यूटी को ना अच्छा लगे, है ना, और आपस में हो सकती है उनकी लड़ाई हो जाए, वो ट्यूटी मना ही कर दे कि मुझे इससे नहीं पढ़ना, जो कि बहुत आम बात है, हमने भी देखा है जब टीचर किसी को मॉनिटर बना देती थी तो कई बच्चे क्या करते हैं, मॉनिटर की बात नहीं मानते, तो ऐसे ही होता है कई बच्चे ट्यूटर की बात नहीं मानेंगे और उनमें और उसमें कन्फ्लिक्ट आ सकता है, जो कि पीयर ट्यूटरिंग को फिर हैम्पर कर देगा। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये बहुत छोटा टॉपिक है और क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक बटन दबा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्यूचर नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।